जी को इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कलर थेरी हमें समझाने की आ, के लिए पब्लिकेशन की और हमें समझाया ऑसवर्ल्ड एक और बंदा है जिसका रोल हम देख लेते हैं थोड़ा सा माइनर साइंटिस्ट है बट देख लेते हैं कि उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन कलरीमीट्री द ऑसवर्ल्ड कलर सिस्टम वॉज इन्वेटेड बाई विलम ऑसवर्ल्ड यूज़ नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट अब देखें कि जो रंगों के बारे में पढ़ रहा है बंदा वो बड़े फ़र्क फरक जगह से आ रहा है अब ये केमिस्ट है ठीक है फिजिसिस्ट और जो है उसमें एक ऑक्सवर्ल्ड कलर सिस्टम है जो कि मुंसल जैसा ही है वो इसने इन्वेंट किया था ये देखें ये मुंसल का भी सिस्टम कुछ ऐसा ही था और वो भी ट्री ही था देर आर फोर डिफरेंट एडिशन ऑफ कलर हारमोनियम मेअल

कलर्स करने से अच्छा है कि एक हज़ार कर लें और वो कहता था कि जिससे सिस्टे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो होगी लेकिन वो वो ये भी इंसिस्ट कर रहा है कि इसके जो कलर का यूज़ है ना वो भी स्टैंडर्डाइज हो यानी एक कुछ ख़ास किस्म के कलर हों जो कि हर जगह पे जो है ना वो इस्तेमाल हो जाए तो बाहर ये कलर हारमोनी मैनुअल कहते हैं उसको कि कलर मकसद सिर्फ ये कि देखें एक कलर से यानी ये ग्रीन है और यहाँ रेड है ग्रीन से रेड का जो रास्ता है ना उसको जिस जिस तरीके से आप डिवाइड करेंगे आप कहेंगे कि जी उससे हमें कलर की हमने भी समझ आ रही है कलर की ऑर्गेनाइजेशन से सिस्टम भी नज़र आ रहा है पीछे चलते हैं तो ये देखिए सारे बेसिकली वो तरतीबें हैं जो जिन तरतीबों से कोई भी कलर की जो प्लेसमेंट है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर वो समझी जा सकती है तो ये भी बेसिकली ये करने की कोशिश करें थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये भी इसका कलर व्हील है अब हर साइंटिस्ट का अपना कलर व्हील है क्योंकि कुछ साइंटिस्ट uh, जो है ना वो कुछ खास ग्रीनस से थोड़ा सा वो इख्तलाफ करते हैं मतलब क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्ज़र्वेशन सबकी थोड़ी थोड़ी फ़र्क भी हो सकती है फिर फिर कोई ऐसी तो बात नहीं है कि कोई कहे कि जी ये सेंट्रल रेड है कोई ये भी कह सकता है ये सेंट्रल रेड है हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन जो उसने अपनी तरफ से जो थेरी उसने बनाई है वो जो है उसको भी गौर से देखना पड़ेगा क्योंकि कई दफा ऐसी थेरीज भी दुरुस्त बाद में साबित हो जाती हैं जो बड़े सालों तक आप उनको गलत समझते रहते हो तो इसलिए समझिए कि जो कलर व्हील की इंटरप्रटेशन है ना कि कौन कौन से साइंटिस्ट किस किस को कलर व्हील कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है वैसे भी कुछ के सिंपल हैं कुछ के ज़्यादा हैं मुंसल जनसल मुनसलका उससे पहले जो था गोएथे का था उसमें कलर वो भी था Uh, मतलब टोन्स भी थी उसमें मतलब कलर हल्का और गहरा भी होता जा रहा था तो सबके अपने अपने इंटरप्रटेशन हैं लेकिन बेसिकली कलर वील ही है ऑस वर्ल्ड सेट दैट द कलर शुड ओनली बी सिलेक्टेड फॉम अ फिनाइट कलेक्शन कि वही बात कि वो कहता है कि दे इनफिनिट नहीं होनी चाहिए बेशुमार रंग नहीं होने चाहिए वो कहता है कि कलर को अब फिनाइट कलेक्शन में से यानी लिमिटेड कलेक्शन में से ही निकालें मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है uh, लेकिन मुझे तो इसमें जो ये फ्राइट कलेक्शन वाली जो बात कर रहे हैं इसमें मुझे कोई मकसद समझ नहीं आया क्योंकि होना ये चाहिए कि चीज़ों के सहूलियात को आप मल्टीप्लाई करें कि मैक्सिमम कलर यूज़ करने की आपके पास गुंजाइश हो इसलिए मेरे हिसाब से जो मुंसल का सिस्टम है वो सबसे बेहतर इसलिए क्योंकि वो एक्सपेंडेबल है कि मतलब जो कलर आपको बारीक बारीक नजर आ रहे हैं उसके बीच में भी अगर आप बारीकी निकाल सकते हैं तो उसकी उसके अंदर गुंजाइश है लेकिन बहरा चूँकि ऑस्वल्ड एक मेजर साइंटिस्ट था इसलिए इसका जिक्र करना ज़रूरी है थैंक यू वेरी मच